डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। है गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देव प्याग। आज का कुछ ऐसा प्लान है, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे? आज हम जा रहे हैं न्यू टिहरी डैम, जो कि यहाँ से कम 63 किलोमीटर्स है और यहाँ से हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, आयुष रैन जुगाड़ी गाड़ी में तेल डलाने गया हुआ है। फिर हम लोग निकलते हैं टिहरी की तरफ और आज हम लोगों ने सोचा है कि डैम पे जाके बोटिंग करेंगे और भी कुछ जो भी फन होता है एडवेंचर्स, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, उसका मज़ा लेंगे आज हम लोग, ऐसा डिसाइड किया है। और अभी देवप्रयाग में हैं हम लोग, बज रहे हैं 12, तो निकलते हैं बस फिर। कल न्यू ईयर की पार्टी में थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय कर लिया, रात भर 3 बजे तक हम गप्पे हाँक रहे थे, तो थोड़ी ज़्यादा ठंड भी लग गई, ठंड भी लगी थी। रात की एक स्टोरी, ड्रामेटिक स्टोरी, वो किसी और ब्लॉग में बताऊँगा जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था रात में, उसके बाद हम चुपचाप जाके सो गए थे। उस इंसिडेंट के बारे में अभी इसी ब्लॉग में बताएंगे, चिंता मत करिए। बट पर थोड़े सस्पेंस के बाद, चलिए फिर मिलते हैं न्यू टिहरी की तरफ और वहाँ से फिर आपको अपडेट करते हैं कि क्या क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से दोबारा ब्लॉग को अपडेट करते हैं। ड्राइवर तभी तो नहीं हटा रहा, एक देसी जुगाड़ निकाला है, NH वालों की गाड़ी हथिया ली है हमने। मुझे देखो ड्राइव कर रहा है और ड्राइवर ने मना कर दिया था ले जाने। और नहीं इसमें, और नहीं मतलब जो लगा के चल जाए तो चल जाए, ज्यादा भगाने की जरूरत है। अरे 20 की स्पीड है, आराम से चला, आराम से चला, ड्राइवर ने हमें ले जाने से मना कर दिया था, तो ड्राइवर की हमने गाड़ी हथिया ली है। मुझे देखो ड्राइवर कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, और हम लोग पीछे जान हथेली पे लेके बैठे हुए हैं। छोटू से एक्सपीरियंस पूछते हैं। छोटू, मुझे डर लग रहा है, इस ट्रिप पे सिर्फ एडवेंचर ही हुआ है और ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना, बता नहीं सकते। नेक्स्ट ट्रेवल एडवेंचर हो रहा है ये भाई, बुद्धित के हाथों बुलेरो पकड़ा दिए, पता नहीं कैसा चला रहा है, ना इस गाड़ी में हॉर्न है, ना कुछ है, ना शीशा है, बस ऐसी हवा में जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हथेली भी लेके जा रहे हैं, देखो टेढ़ी पहुंच पाते हैं कि गंगा में डूब हम निपट जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और बच गए तो फिर नेक्स्ट ट्रिप पे मिलेंगे आप। तो मुझे सरकारी गाड़ी को चलाने में कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? गाड़ी तो स्मूथ है, ये बुलेरो पर ऐसी ही है, ठेला जैसी, स्टार्ट होती है तो भी हिलती है ट्रक जैसे, और बंद होती तब भी ट्रक जैसे हिलती है। बड़ 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 और ब्रेक का तो ये सिस्टम है कि लगाओगे तो रुक जाएगी, पर अपने हिसाब से रुकती है वो, तो तुम्हारे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, रुकेगी। इस ट्रिप पे तुम्हें क्या क्या बना दिया हम लोगों ने? बावर्ची बना दिया, कुली बना दिया भाई साहब, गाइड बना दिया, और ड्राइवर भी बन गया। अब ड्राइवर भी बन गया, अभी आगे आगे देखते हैं। और फोटोग्राफर तो था ही हमारा, अभी बोट भी चलवा लेंगे लोग, देखना कहेंगे बोट ऐसा करो, मतलब जिधर व्यवस्था ढीली पड़ी उधर लड़कों ने कहा कि भैया चाबी इधर लाओ, चाबी इधर दे दो फौरन, चलो। तो गाइस हम लोग रुके हुए थे अभी रास्ते में, और जैसे कि आपको पता ही है सरकारी गाड़ी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अब हम लोग चंद भदनी। ऐसा थोड़ा प्लान में चेंज है, अभी हम टिहरी जा रहे थे, पर टिहरी जाते हुए अब टिहरी का पता चला था हमें कि CISF वाले डैम बंद कर देते हैं और उसको शाम के 4 बजे के बाद वहाँ हमें जाने भी नहीं देंगे, तो जाके कोई फ़ायदा नहीं था, बस ऐसा था कि जाके छू के आ सकते थे, बस वो हमें करना नहीं था। सो हमने डिसाइड किया चंद्र भदनी जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा श्रीनगर हो सकता है तो जाएंगे, उसके बाद श्रीनगर को एक्सप्लोर करके वापस आके यहीं स्टे करते हैं देवप्रयाग में, उसके बाद कल का देखते क्या होता है।
Hey guys, finally हम चंद्र बदनी टेम्पल आ गए हैं। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, ट्रैकिंग टोटल 1 किलोमीटर की है और हम पूरा ट्रैक करके जा रहे हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप चढ़ाई है इसकी, तो हमें ट्रैकिंग करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही क्योंकि अभी केदारघंटा करके आए हैं, सो उससे अभी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है, अभी बॉडी में पेन है और 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा टफ हो रही है। आप सोच रहे होंगे ये लोग जा रहे थे टेहरी, चंद्र बदनी कहाँ से आ गए, क्योंकि हमारी सफरवीर मंजिल चल रही है, सफरवीर मंजिल में ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं, तो ये सफरवीर मंजिल का एक ट्विस्ट एंड टर्न का एक पार्ट है। जाना था हमें टेहरी, पहुँच गए चंद्र बदनी टेम्पल। चंद्र बदनी टेम्पल की क्या स्टोरी है मैं वो आगे टेम्पल में पहुँच कर आपको बताता हूँ, तो चलते हैं। रास्ते तक आ चुके हैं, करीब 500 मीटर तक की चढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसमें भी हमारी सांस फूल गई है। और ये तो असर ये है कि अब केदारघंटा ट्रैक करके आए हैं 24 किलोमीटर का, तो फिर अब तो यहाँ तो हालत ख़राब होनी थी। बट ये टेंपल भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और इस टेंपल का थोड़ा ये है कि ट्रेवलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अनएक्सप्लोर्ड ही समझिए, ज़्यादा लोगों को टोटली मालूम नहीं है, टोटली ऑफ बीट लोकेशन है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस टेंपल के बारे में। बट ये लोकल लोगों के लिए तो पिकनिक स्पॉट जैसा ही है, तो जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे लोकली गढ़वाली लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं को ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। बट इसके एक सीक्रेट ग्रंथी है जो हिंदू धर्म की मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड शिवा सती के, वो मैं ऊपर जाके आपको बताता हूँ टेंपल के बाहर क्या है एक्चुअल हिस्ट्री। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चंद्र बदनी टेम्पल और ऊपर मंदिर में दर्शन हम लोग कर चुके हैं, प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके हम लोग बाहर आके बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि अब सनसेट देखते हुए ही जाएंगे। और यहाँ का कुछ इस तरीके की माइथोलॉजी है, जब सती को भगवान शिव लेके जा रहे थे तो उनका जो धड़ का हिस्सा था वो यहाँ पर गिरा था, तो ये उन कुछ शक्तिपीठों में से एक है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और बहुत ही मान्य है। ये टोटल ऑफबीट लोकेशन है, किसी को यहाँ का पता नहीं है, बस लोकलों को पता है, ज़्यादातर यहाँ पे लोकली देखे, कोई टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे, तो टूरिस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत अच्छा दिन भी है, यहाँ पे बहुत अच्छा सन निकला हुआ है, तो यहाँ पे हिमालय का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा आप देख सकते हैं पूरी रेंज, पूरी हिमालयन रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो केदारकंठा से भी हमको इतनी अच्छे से दिखाई नहीं दी थी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, सारे पीक्स को हम लोग यहाँ पे देख के रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि कौन सा पीक है। और अब धीरे धीरे बादल भी छटते जा रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि आज सनसेट देख के ही यहाँ से जाएंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर।